सी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसका इस्तेमाल कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन देने के पहले, आपका बैंक अकाउंट खोलने के पहले या आपसे कोई भी पैसों का ट्रांजैक्शन करने के पहले करती है। KYC का इस्तेमाल कोई कंपनी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए करती है ताकि वो ये पता लगा सकें कि आपने उनको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच्ची और भरोसेमंद है या नहीं। KYC पैसों से जुड़े गलत कामों को रोकने के लिए बनाया गया है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइम, आइडेंटिटी फ्रॉड, रिश्वत लेना, करप्शन या इलीगल काम करना या फिर काला धन इकट्ठा करना। भारत में RBI ने हर बैंक, डिजिटल पेमेंट कंपनी या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने हर कस्टमर का KYC करना अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी बनाया हुआ है। KYC चेक कुछ भरोसेमंद डॉक्यूमेंट द्वारा किया जाता है जिसमें आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ मौजूद हो। ID प्रूफ के तौर पर आप इन डॉक्यूमेंट्स में कोई यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी सरकारी संस्था द्वारा इशू किया फोटो ID। एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, घर का अग्रीमेंट, राशन कार्ड, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट या फिर फोन, बिजली, गैस या मेंटेनेंस बिल दिखा सकते हैं। KYC करने के दो आसान तरीके हैं। एक है ऑनलाइन eKYC, जिसे आधार बेस्ड KYC भी कहते हैं, और दूसरा है ऑफलाइन KYC, जिसे इन पर्सन वेरिफिकेशन भी कहते हैं। eKYC के प्रोसेस में आपको कंपनी की ऐप या वेबसाइट पर जाकर वहां आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP के साथ वेरीफाई करना होता है और फिर आधार कार्ड का डिजिटल कॉपी अपलोड करना होता है। ऑफलाइन KYC में कंपनी से KYC एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है। फॉर्म में डिटेल्स भरकर उसके साथ ID प्रूफ की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाकर जमा करना होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें।